रामदित्य नेतला जी, आप एक राष्ट्रीय स्तर के नेता हो सांसी समाजा के, तो आपको समाजा के बारे में काफी जानकारी है। तो हूँ एक जानकारी आप लेना चाहूंगा कि सुनने में आता है कि सांसी समाज दो भागे मटोड़ा है, एक है माल्हा एक है बिढ़ू, और किताबें भी जो सरकारी भारता की किताबा है उसमें भी यही लिखो रहा है कि सांसी समाज जमा एक होता है बीजावत एक होता है मालावत। तो आप बताओ मैं इसको हकीकत क्या है। हकीकत अगर देखा जाए तो माल्हा और बिड्ढू अगर गहराइया में और बहुत ही पिछोकड़ा में जाते हैं, गला जाते हैं, तो उसके में क्या है कि देखो जी, ये भी बताया जाता है कि ये तो जी भाई थे, माल्हा और बिड्ढू, माल्हा बिड्ढू भाई थे, और तीसरी एक इनकी बहन भी थी, एक बहन बतावते हैं, वो रासना बतावते हैं। तो उनकी ये जो तीनों बताया करते हैं, तो तीन बताने दे के भी मैं कहा भी कि इनकी उत्पत्ति, इनका समा, इनका आगे घराना ये किधर आगे बढ़िया। तो मैं भी बहुत कंफ्यूज था, हूं मैं सोचा मैं ये क्या भाई, कह जी देखो कुछ समय की परिस्थितियां थी, ऐसा कुछ था, तो एक माला था एक बिड्डू था, उन्होंने उसको बेटी दी, उन्होंने उसको बेटी दी, और करते 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 ये समाज आगे बढ़ेगा। और यानी कि एक जो छायडी है, छाय माला बिड्डू और छायडी, ये बताना बहुत जरूरी है कि उन लोग थे समाज थे, उन मिल ही चुके हैं। वो छायडी है जो वो माले को बेटी देते हैं और बिड्डू वाले भी बेटी देते भी हैं और लेते भी हैं। यानी कि हम या मानते हैं आपके शब्दों के जरिए कि जो सबसे पहले समाजा के अंदर जो बंदे थे ये माला था और बिड्डू था, और दोनों भाई थे, और जो उनका वैवाहिक संबंध था उनके बच्चे का वो आपसा में था, यानी कि कजिन ब्रदर सिस्टर, उनकी शादी हो रही है, सही है? ये ऐसा कुछ सुनने में आया, सुनने तो प्रमाणिकता में तो हूँ बिल्कुल, कहना ना कि मेरे तो प्रमाण है, सुनने में आता है, सुनने में आता है। अच्छा, तो सही इसके बारे में सबूत किस किताब हम लिखो रही हैं कि भी ऐसा कुछ था? सुनने में हम हर बंदे ये सुनते कि सुनया है सुनया है सुनया है, लेकिन उन सुनया भी तो किसी किताब में लिखो रहा होगा ना, वो किताब कौन सी है? देखो जी, इस किताबा के बारे में देखा जाए तो हमको कुछ पौराणिक जो ग्रंथ हैं और पौराणिकता के हिसाब हम देखते हैं, कोई राइटर हैं वो माधुर पढ़िया है किताबा, उनके बारे में बिल्कुल भी हमें उनके अंदर जो लिखा गया है उसको हम किसी तरीके से आपके जरिए थे, आपके चैनल के जरिए थे उसको उजागर करने दे, और इसके बारे में बिल्कुल खुलासा होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो है, ये तो बात है कि माला बिड्डू थे और उनकी बहन भी थी, तो इस तरीके से कुछ चल रहा करता जी, यही उसकी बात बहन का नाम क्या था? रासला बताया जाता है। और तो ये छाईडी कौन है फेरी? तो छाईडी क्या है कि उसको छाईडी, उनको एक नाम दिया गया उनके जो उनका, मैं ये भी पूछा कि भी उसका क्या बना भाई, उन्होंने बेटी जो थी वो जो भाई थे बांध, उनकी शादी किससे, तो निष्क्रिय बताया कि वो अदरकाश था, अदरकाश था मेरी, मतलब कुछ मेरे मेरी खुद की भी निष्को भी कंफ्यूजन है, मतलब हमारा इतिहास जो बहुत ही गुदड़ हो रहा है, बिल्कुल भी अंधेरे माम। माफी चाह रहा सर, आप तो राष्ट्रीय स्तर के नेता हो और आप खुद कंफ्यूज हो, तो हम जो एक कॉमन आदमी है ना, कॉमन सेंस है, उसको जानकारी कड़त में लग रही सही कि देखो, उसको हमारे समाज के इतिहास को मैं शुरुआत ही कहा था, इस समाज को, इतिहास को बिल्कुल भी लुप्त कर दिया गया, इसको खत्म करोड़ा पड़ा। अरे एक और भी क्या मुश्किल सवाल करना पड़ेगा, क्या उस समय के अंदर जिधर आज आप इंटरव्यू लिया करते हो और आज हूं इंटरव्यू दिया करता है, ऐसे पढ़े लिखे सूझवान आपके नजराने में कुछ आया करते हैं कि हमारे समाज के लोग इतना प्रमाणिकता, इतनी तथ्य, इतनी सत्य, वो लिखी कि ना वो धरी कि ना गए, या धरी सकते थे, ऐसी सोच थी उनके अगर कोई थी, उनके अगर सोच थी कोई ना, अदर समाज के थे लोग, थे ज्यादातर ब्राह्मणवादी हुए हैं, ब्राह्मण लोग राइटर थे, उन्होंने हमारे समाज को खत्म कर दिया। इतने मेरे छोटा सा सवाल बनाया करता है कि हम अपने इतिहास को कहते हैं मार्शल कॉम और निडर कॉम और बहुत सारे बड़े बड़े शब्द देते हैं, लेकिन जानकारियां अगर वो लिखित कोई ना, या फिर किसी तरीके से उन्होंने को लिखिया या दूसरे को लिखिया, तो किस लिहाजत हम कह सकते हैं कि वो जो हमारे पूर्वज थे वो निडर थे? देखो जी, ये तो बिल्कुल भी प्रमाणिकता के साथ हम कह सकता है, अंग्रेजी हमको अपराधी घोषित करे तो की करे, हमारे अंदर कोई चीज देखी, हमारे अंदर एक बहुत बड़ी कला कौशल था जो गोरिल्ला युद्ध करी गई ना, उनको जो जन्मित बंदे को मारना बिना हथियारा, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात थी। तो उसके क्या हुआ,
भी पूरे भारत क्या पूरे उद्वल को उन्होंने तो बंदी बनाए कि प्रकार जड़े जड़े अंग्रेज गया उन्हें तो हरेक का देश का गुलाम बनाने की कोशिश करी भारत को तो कर ही कर तो उस अंग्रेजा को गुलाम बनाने वाली जो मारिया जातियां थी तो वो मारिया जातियां सांसी बावड़ी ये गंधीला बदिया ये ढेया ये ऐसी लोग जो मारिया जो जिनको आज विमुक्त घुमंतु समाज कहते हैं ये आम नहीं है। इसके बारे में बिल्कुल प्रमाणिकता हो चुकी है ये सचा माही मार्शल हैं और बहादुर कौम है देशभक्त कबीले हैं।